This work I will do for my engineering, electrical engineering student for Faisal Umar, and also all mathematical students, and also all electrical engineering my students. Okay, student, that is the question of the integration. Okay, now you will solve it. Here you notice that the AC and 2 pi f and w are the constant, where t is the variable, because dt integration is by dt. Okay, first of all I notice that there is a multiplication, so I will first of all I will multiply to, it is 0 to t AC cos square 2 pi ft. AC cos 2 pi ft multiply by cos of 2 pi ft, then I will find the AC cos square 2 pi ft plus WT multiply by W or omega, I don't know what is the exact, but I tell here, I will call it the W. Okay, WT cos of 2 pi ft into dt. Now student, I will separate the both values, 0 to t a cos square AC cos square 2 pi f t dt plus 0 to t w t cos of 2 pi f into t 2 pi f t into dt. Okay, student, I noticed there, that is, there is the square, and जो स्केयर है, पावर है, उसके नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसके लिए मुझे एक फार्मूला जो है वो यूज़ करना होगा. कॉस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2x/2. हाफ एंगल फार्मूला है ये मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी. 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0 to t ए सी ब्रैकेट 1 प्लस cos of 2 into angle 2π/2. ओके, एंगल इज 2π/ft, सो आई मल्टीप्लाई, बिकॉज हेयर आई विल मल्टीप्लाई हेयर द कॉस 2x/2. ओके, प्लस डी टी प्लस 0 to t डब्ल्यू टी कॉस ऑफ 2π/ft इंटू डी टी 0 टू टी ए सी, आई मल्टीप्लाई अगेन ए सी इंटू 1/2 डी टी प्लस 0 टू टी. आप इस इंटीग्रेशन को अगेन फर्दर जो है मल्टीप्लीकेशन के अंदर डाल देंगे स्टूडेंट. ए सी इंटू 1/2 प्लस 0 टू टी ए सी कॉज ऑफ 4π, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4π/ft ओवर 2 इंटू डी टी. प्लस आप यहाँ पे नोट करें स्टूडेंट कि ये W को तो ठीक है कि आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन जाती हैं दोनों वैल्यूज. ठीक है, टी और कॉज ऑफ 2π/ft जो है ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको हमेशा जो है फर्स्ट इसको ले लें, जिसका डेरिवेटिव लेने से वो वैल्यू खत्म हो जाए उसको फर्स्ट ले लें, और इसको आप सेकेंड वेरिएबल ले लें. ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने यहाँ पे यूज़ करना है. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करने के लिए यहाँ पे इस तरह से इसका रूल है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन ऑफ 2π/2, 2π/ft ओवर 2π/f. एंगल का डेरिवेटिव साथ ही उसके मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है, तो अगेन देख लें, टी एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2π/ft और एंगल का डेरिवेटिव 2π/f. ठीक है, और उसके साथ ही आपने लिखा माइनस, माइनस के बाद इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2π/ft ओवर 2π/f, अगेन इंटीग्रेशन आपने ली इसी वेरिएबल की सेकंड की, माइनस और डेरिवेटिव आप ले लेंगे फर्स्ट का. ठीक है, और यहाँ पे 0 to t, अच्छा यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन अगर ख़त्म हुई है तो आप यहाँ पे स्लैश के साथ 0 to t लिखेंगे. ओके, और यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट क्लोज होगी क्योंकि W जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. अच्छा,
अब इलेक्ट्रिकल के अंदर है तो एंगल में ये डब्ल्यू एफ ए सी ये कोई ना कोई चीज़ें फ्रिक्वेंसी वगैरह ही शो हो रही होंगी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ डिनोट करेंगे। अच्छा जी, जीरो टू टी, जीरो टू टी अब यहाँ पे नहीं मैं लिखूंगी, ए सी इंटू वन बाई, यहाँ पे ये सारी वैल्यू ही कांस्टेंट है तो वन का इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है उसका टी रह जाएगा, ए सी वन बाई टू टी और यहाँ पे जीरो टू टी, इस तरह से इंटीग्रेशन मैंने स्लैश के कंडीशन में आपने इसकी लिमिट जो है वो पुट कर दी। प्लस ये इस तरह से सेक्शन है यहाँ तक, प्लस कॉज ऑफ फोर पाई, तो ए सी तो आप पहले बाहर लिखें, कॉज ऑफ फोर पाई एफ टी की जगह पे आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास टू है, कॉज ऑफ फोर पाई की जगह पे स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ फोर पाई एफ टी ओवर, ये जो टू है यहाँ पे यहाँ से आया था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर पाई एफ, एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे भी आपके पास जीरो टू टी ही आ जाएगा, ठीक है। और फिर अब ये प्लस ओमेगा, मैं इसके बाद ये वाली जो लाइन है ना ये ज़रा इसके साथ है, अब यहाँ पे देखिएगा ये प्लस ओमेगा। अच्छा और मैं यहाँ पे लिमिट वैसे ही पुट कर रही हूँ स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिमिट वैसे ही पुट कर रही हूँ, टी की जगह पे पहले कैपिटल टी, टी साइन ऑफ टू पाई एफ और कैपिटल टी ओवर टू पाई एफ, ठीक है, जहाँ जहाँ टी था वहाँ पे मैंने कैपिटल टी का इस्तेमाल किया, माइनस ज़ीरो टी की जगह पे अब ज़ीरो साइन ऑफ टू पाई एफ इंटू ज़ीरो ओवर टू पाई एफ, ठीक है, ये मैंने लिमिट पुट कर दी। माइनस आगे इसकी जगह पे आप देखें स्टूडेंट के पहले इन दोनों में आपको डेरिवेटिव को सॉल्व करना होगा, ज़ीरो टू टी साइन ऑफ टू पाई एफ टी ओवर टू पाई एफ, मल्टीप्लाई आप करेंगे ये जो इसका डेरिवेटिव है उसका रिजल्ट है वन इंटू डी टी, ठीक है, और ये ब्रैकेट आपकी क्लोज हुई, ठीक स्टूडेंट। अब है ए सी के अंदर, इसमें अब आप लिमिट पुट करेंगे ए सी वन बाय टू इंटू टी की जगह पे टी माइनस ज़ीरो, ठीक है, टी माइनस ज़ीरो इसकी जगह पे, प्लस ए सी आपके पास यहाँ पे नोट आपने किया था कि यहाँ पे भी आपने लिमिट जो है वो पुट कर देनी है, ए सी सबके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ए सी ओवर एट पाई एफ, टू फोर जर एट, एट पाई एफ और साइन फोर पाई की जगह पे आपके पास स्टूडेंट जो वैल्यू है वो आ जाएगी साइन ऑफ फोर पाई एफ कैपिटल टी माइनस साइन ऑफ फोर पाई एफ इंटू फोर पाई एफ इंटू ज़ीरो, ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई, प्लस ओमेगा। अब यहाँ पे देखें ये रिजल्ट जो है ना ये सारे का सारा इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके सारे का सारा रिजल्ट ज़ीरो, तो इसलिए ओमेगा टी साइन ऑफ, मैं साथ ही देख रही हूँ कि पेज जो है वो बिल्कुल ठीक रहे, ओमेगा टी साइन ऑफ टू पाई एफ टी, ये आपके पास एंगल है, ठीक है, ये वाला जो सारा है ना ये एंगल है ओवर टू पाई एफ, ठीक है, ये प्लस ओमेगा के साथ ही मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो सारे का सारा ज़ीरो ही हो गया है, माइनस ज़ीरो और फिर प्लस माइनस माइनस ओमेगा, ओमेगा तो मैंने मल्टीप्लाई किया है लेकिन साथ ही ये जो है ना इंटीग्रेशन ये भी मैं साथ ही इसकी कर रही हूँ, साइन ऑफ टू पाई की जगह पे आ जाएगा माइनस कॉज ऑफ, इंटीग्रेशन में साइन का माइनस कॉज होता है और डेरिवेटिव में साइन का पॉजिटिव कॉज होता है, तो यहाँ पे टू पाई एफ टी ओवर एंगल का मैंने नीचे अगेन लिया है तो ये टू पाई एफ के साथ अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा टू पाई एफ, क्योंकि ये तो पहले है लेकिन अब जो साइन को कॉस में किया उसकी वजह से एंगल जो है इस तरह से हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये फिर आ गया जीरो टू टी, ओके, ए सी वन बाय टू ए सी टी बाय टू, ओके, ए सी ये सारे का सारा जो है मैंने मल्टीप्लाई किया है, प्लस ए सी ओवर एट पाई एफ इंटू ये साइन ऑफ इसका ये चीज़ जो है ये स्टूडेंट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी, इसने सारी चीज़ को ज़ीरो किया है, ज़ीरो ने साइन ऑफ ज़ीरो जो है वो ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो इसलिए साइन ऑफ फोर पाई एफ टी रह जाएगा, ठीक है, प्लस डब्ल्यू टी ये इसका रिजल्ट वही रह जाएगा डब्ल्यू टी साइन ऑफ टू पाई एफ टी ओवर टू पाई एफ माइनस
माइनस आप लगाएंगे साथ ओमेगा को, आपने मल्टीप्लाई किया माइनस ओमेगा को, तो ये कॉज ऑफ ये चीज़ जो ओमेगा के बाहर है ना, ये तो 2 पाई f का स्केयर आपके पास वैसे ही आ गया है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में 2 पाई f का स्केयर, और ये जो चीज़ है ना इसको आपने लिमिट पुट कर देनी है, माइनस कॉज ऑफ 2 पाई f कैपिटल T माइनस कॉज ऑफ 2 पाई f इंटू T इंटू ज़ीरो, लिमिट ज़ीरो है। अच्छा अब आपको ये बता दें हम कि कॉज ऑफ, इसने इस सारी चीज़ को ज़ीरो कर दिया है, कॉज ऑफ ज़ीरो जो होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, साइन ऑफ ज़ीरो जो है वो आपके पास हमेशा ज़ीरो होता है, लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे इसने ज़ीरो सारी वैल्यूज़ को किया था तो इसलिए हमने इसको ज़ीरो कर दिया है, यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यू ज़ीरो आएगी, कॉज ऑफ ज़ीरो जो ये 1 हो जाएगा। अच्छा जी खैर, साथ ही अब ये है कि ACT ओवर 2 प्लस AC साइन ऑफ 4 पाई f t कैपिटल T सॉरी ओवर 8 पाई f प्लस ओमेगा T साइन ऑफ 2 पाई f कैपिटल T ओवर 2 पाई f माइनस, आपने मल्टीप्लाई किया साथ ही माइनस ओमेगा, अब मैं माइनस ओमेगा और ये वाला जो कांस्टेंट है इसको साथ ही सारी वैल्यूज़ के मैं मल्टीप्लाई दोनों में कर दूंगी, माइनस ओमेगा ओवर 2 पाई f² माइनस, और ये माइनस जो है ये प्लस हो गया, और कॉज ऑफ 2 पाई f t, ठीक है, और इसी तरीके से माइनस और माइनस फिर ये भी प्लस हो गया, ठीक है, एक मिनट मैं जो चेक ही कर लूँ, बल्कि यहाँ पे माइनस बाहर था तो ये चीज़ इस तरह से है, इस तरह ये प्लस ये माइनस में, हाँ जी इस तरह से है। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 3 टाइम माइनस है इसलिए माइनस का साइन है 1, ठीक है, लेकिन साथ ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी मल्टीप्लाई होगी, ओमेगा ओवर 2 पाई f का स्केयर जो है वो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी स्टूडेंट, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कैसे करना है। फ़र्ज़ करें कि आप साइन वाली वैल्यू उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है, AC साइन इन दोनों में कॉमन ले लें, मतलब आप सिंप्लीफाई जो है ना वो आपके ऊपर है कि वो आप कैसे करते हैं, अदरवाइज़ ये आपका रिजल्ट तो आ गया। अब AC ओवर 8 पाई f या 2 पाई f चलें कर लें, ठीक है, 2 पाई f दोनों से कॉमन ले लिया, और अंदर इसके रह गया 1 साइन ऑफ 4 पाई f t ओवर 4 प्लस, यहाँ पे आपके पास ओमेगा टी रह गया, यहाँ पे AC दोनों से कॉमन नहीं निकला, नो AC नहीं निकला स्टूडेंट, बल्कि थोड़े एक मिनट ठहरिएगा मैं दोबारा से बताती हूँ, साइन ऑफ 4 पाई f t ओवर 2 पाई f कॉमन लेते हैं हम दोबारा से, मैं सॉरी यहाँ से मिस्टेक हुई है थोड़ा सा, लेकिन चलें, साइन 4 पाई f t ओवर 2 पाई f इन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा AC ओवर 4 प्लस WT ओवर 1, ठीक है ये, और फिर आपके पास इन दोनों से ये आ गया, और फिर आप आगे जो है कॉस की वैल्यू लिख दें आप चाहे, प्लस W ओवर 2 पाई f² कॉस ऑफ डॉट कॉस ऑफ 2 पाई f t, और फिर बाद में स्टूडेंट आप जो है माइनस ओमेगा ओवर ये कांस्टेंट वाली वैल्यूज 2 पाई f² और फिर ये कांस्टेंट की वैल्यू प्लस ACT ओवर 2। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ द इंटीग्रेशन इन विच इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इज इन्वॉल्व एंड ऑल्सो द फार्मूला। और इसके अलावा भी अगर किसी स्टूडेंट को इंटीग्रेशन से रिलेटेड चाहे सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिकल या कोई भी मैथमेटिकल स्टूडेंट है उसको इशू हो तो यहाँ पर डिस्क्राइब करें, कमेंट करें, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।